नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भस्माकंठ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भयंकर आग से घिरी एक इमारत, दो पाइप और इधर लाओ। उफ, जाने कैसी आग है, किसी भी तरह बुझ नहीं रही है। ठीक कहते हो, ऐसी भयानक आग मैंने कभी नहीं देखी। तूफान भी तो अंदर था, उसका क्या हुआ होगा? अब तक तो जलकर राख हो चुका होगा वो। इतनी भयानक आग में कोई कैसे बच सकता है? उधर उस बिल्डिंग के अंदर तूफान मौत से जूझ रहा था। उफ, लगता है अब मेरा अंत निकट आ गया है, लेकिन मुझे मरते दम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उफ, जल्दी उफ, मुझे किसी तरह ये वजन अपने ऊपर से हटाना होगा। उफ, शुक्र है भगवान का, अब अगर इसके नीचे कोई चीज अड़ा दी जाए तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर मैं उस पाइप को उठाने में सफल हो सकूँ तो काम बन सकता है। शुक्र है भगवान का। और तूफान ने उस पाइप को उसके नीचे अड़ा दिया। कुछ क्षण बाद अगले ही पन, राधे गीला कंबल लाओ जल्दी। ओह गॉड, तुम ठीक तो हो तूफान? हाँ, इस आग को बुझाने की कोशिश छोड़ दो ऑफिसर, इसको कोई नहीं बुझा सकता। कुछ क्षण बाद वो प्रोफेसर भास्कर के घर की ओर उड़ा चला जा रहा था। उफ, उस वक्त को याद करके शरीर में अभी भी कपकपी दौड़ जाती है। क्या हुआ, तुम सब इस तरह क्यों भाग रहे हो? अंदर भस्माकंठ है, वो इस इमारत को जलाकर राख करना चाहता है। भस्माकंठ बहुत दिनों से आतंक फैला रहा है ये शैतान, आज उसका फैसला हो ही जाए। ओ गॉड, पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। धड़ाक, ओ धड़ाम, तूने मुझ पर वार करके अपनी मौत को बुलवा लिया है कुत्ते। अगले ही क्षण सर, ओ धड़ाक, धड़ाक, ओ मुझसे टकराना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। ओ तुझे इसी आग में जलकर राख होना होगा। ओ माफ करना दोस्त, मुझे भस्म करने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। धड़ाक, सर, उफ, तुझे बस में करने का ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा। अब तेरी जीवी थी चिता जलेगी। ओ आखिर कौन है ये भस्माकंठ और ये तबाही क्यों मचा रहा है? दूसरी ओर आज भी मैं सफल रहा, अपनी बर्बादी का बदला मैं सारा शहर तबाह करके लूंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, अचानक भड़ाम, शीघ्र ही वहां फायर ब्रिगेड वाले आ पहुंचे। बचाओ, कोई है, बचाओ। तभी अगले पल, बचाओ, घबराओ मत यादव, मैं आ गया हूं। लेकिन वो मुझे बचाने की जगह अपने साथी को बचाने में जुट गया। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। धड़ाक, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस भयंकर आग से बच गया। हाँ, मैं बच गया, लेकिन मेरा रूप बदल गया, मैं एक इंसान से राक्षस बन गया। फिर मैं अपने प्रतिशोध की तैयारी में जुट गया। कड़ी मेहनत के बाद मैं सफल हो गया। आज से मेरा बदला शुरू होगा, आज से इस शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आएगी। आई, बचाओ, और आज वो समय आ गया है जिसका मुझे अरसे से इंतजार था। परसों मैं इस म्यूजियम को जलाकर राख कर दूंगा। अपनी तबाही का बदला मैं पूरी फायर ब्रिगेड की टीम को नष्ट करके लूंगा। दूसरी ओर अगर उसे ना रोका गया अंकल, तो वो इस शहर को जलाकर राख कर डालेगा। लेकिन बेटे, आज तक इस तरह की केमिकल फायर की किसी ने इजाद नहीं की है। हाँ, 2 साल पहले मेरे एक जानकार प्रोफेसर रामानंद रेड्डी अवश्य इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन प्रयोग करते टाइम वो एक दुर्घटना का शिकार होकर जलकर मर गए थे।
ओह, लेकिन अंकल मैं सच कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है बेटे, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उस केमिकल फायर को बनाने के लिए उसमें क्लोरोसोडियम नाइट्रेट अवश्य मिलाना पड़ता है, और ये रसायन इस शहर में सिर्फ दो केमिकल शॉप पर ही मिल सकता है। अगर तुम उन दोनों दुकानों पर जाकर पता करो, तो हो सकता है तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। आप मुझे उनके पते दीजिए। कुछ देर बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार उड़ा चला जा रहा था। शीघ्र ही मैं किसी ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने हाल ही में आपसे क्लोरोसोडियम नाइट्रेट परचेज किया हो। सॉरी मिस्टर तूफान, हम सिर्फ बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज को ही ये रसायन सेल करते हैं। आप बेसन केमिकल से पता कीजिए। ओह थैंक यू। उसके जाते ही कौन है वो? तूफान, और वो अब बेसन केमिकल शॉप की तरफ गया है। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। ओके तूफान, इसका मतलब वो बच गया है। खैर, कब तक बचेगा? उधर बेसन केमिकल शॉप पर, सॉरी, हम ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते। एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कभी भी किसी आदमी को क्लोरोसोडियम नाइट्रेट सेल नहीं किया है। ओह, ठीक उसी क्षण मुझे ढूंढ रहे थे ना? ओह, अब यमराज के पास पहुंचकर मेरा पता पूछना। सर, ओह, ऐसे कब तक बचेगा तू मुझसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उफ, मिस्टर, तुम भागकर अपनी जान बचाओ। ओह, फौरन पुलिस को फोन करना होगा। उधर अंदर, ओह, आग बढ़ती जा रही है, यहां से निकलना होगा। तभी भड़ाक, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तभी मेरी मौत इतनी आसान नहीं है कुत्ते। उफ, इसके हाथ छूटने का मतलब मेरी मौत होगा। तभी भड़ाक, इस शहर को बचाने के लिए तुम आ गए, लेकिन उस समय तुम कहाँ थे जब मैं जलकर राख होने जा रहा था? तभी खबरदार, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना धाएं। पुलिस है, पुलिस। लेकिन अगले पल, ओह, पहले मुझे इनसे निपट लेना चाहिए। धड़ 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 धड़, और पुलिस की सभी गाड़ियों में आग लग गई। आई, बचाओ। तभी ये किसी भी तरह भी नहीं रुकने वाला, मुझे यहां से भागना होगा। धाड़ धड़ाम, उफ, मैं तुझे इस तरह भागने नहीं दूंगा। ओह, उफ, मेरे कपड़ों में आग लग चुकी है। अब इस आग को प्रोफेसर अंकल ही बुझा सकते हैं। कुछ ही क्षण बाद धड़ाम, अंकल, ओ माय गॉड। अगले ही क्षण छपाक, थैंक गॉड जो मैं इस आग के तोड़ के आविष्कार में जुटा हुआ था, अन्यथा आज तूफान जलकर राख हो चुका होता। कुछ घंटे बाद, कैसे हो बेटे? फाइन अंकल। इस पैकेट में क्या है अंकल? इसमें तुम्हारी नई पोशाक है। अब ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ काफ़ी हद तक फायर प्रूफ भी है। भस्माकंड का कुछ पता चला अंकल? नहीं, वो सभी पुलिसकर्मियों को जलाकर राख करके भाग गया। ओ, लेकिन बेटे, वो तुम्हारे पीछे कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चला कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर की बात सुनकर तूफान सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद चट, ओह, क्या हुआ बेटे? मैं पहचान गया हूँ अंकल कि वो आदमी कौन है। कुछ ही पलों बाद मैं बेसन केमिकल गया था। इस बात को दो ही आदमी जानते हैं, एक प्रोफेसर अंकल और दूसरा गुप्ता। कुछ देर बाद, देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं हम इस बारे में। अरे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा झूठ पहले भी सुन चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नहीं, धड़, मुझे सच सुनना है, बोलो। उसी क्षण बॉस को छोड़ दो छोकरे। ओह, तो हिमायती भी मौजूद हैं यहाँ? ठीक है, पहले तुम लोग ही सही। धड़ाम, आ, ओ, धड़ाम, आ, धड़ाम, धड़ाम, आ, कुछ ही क्षण में, नहीं, अगर तूने एक पल में ही भस्माकण के ठिकाने का पता नहीं बताया, तो मैं तुझे और तेरी दुकान को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। कुछ ही क्षण बाद,
ओह, गुप्ता ने ठीक पता बताया था, वो यही रहता है। फिर वो कमरे की तलाशी में जुट गया। शीघ्र ही, ओह, तो मेरा अंदाजा ठीक निकला, प्रोफेसर अंकल के दोस्त रामानंद रेड्डी ही भस्माकंठ है। अखबार की एक कटिंग पलटते हुए अचानक वो चौंक उठा। ओह, ये तो आज के अखबार की कटिंग है, लेकिन इस खबर को काटने का क्या मतलब? अचानक वो कांप उठा। ओह माय गॉड, कल फायर ब्रिगेड के नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन होने जा रहा है। कहीं प्रोफेसर रामानंद फायर ब्रिगेड वालों से अपना बदला लेने की तो नहीं सोच रहा? अगले दिन, अंकल, मेरा दिल कहता है वो यहाँ ज़रूर आएगा। रिलैक्स माय डियर, वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। उधर म्यूजियम से थोड़ी दूर ये गटर ठीक म्यूजियम के नीचे से गुजरता है। आज कोई नहीं बचेगा, मौत सबका मुकद्दर बनेगी। उधर म्यूजियम के अंदर अब मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिबन काटकर इस समारोह का उद्घाटन करें। पट पट पट, तभी आज इस म्यूजियम का उद्घाटन नहीं, तुम सबकी मौत का उद्घाटन होगा। भस्माकंठ, भागो, आई, बचाओ। और बाहर, ओ माय गॉड, लगता है भस्माकंठ म्यूजियम में पहुंच गया है। आई, बचाओ, ओ नो। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। आई, बचाओ। और अगले ही क्षण धड़ाक, बस बहुत हो चुका भस्माकंठ। ओ, तभी ओ भड़ाक, धाड़। ओ, इससे पार पाना मुश्किल है, मुझे शीघ्र ही म्यूजियम तबाह करके भाग जाना चाहिए। ओ, लेकिन आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा भस्माकंठ, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करते दोनों म्यूजियम के प्रदर्शनी हॉल में जा पहुंचे। आज तेरी चिता यही बनेगी तूफान। मौत से ज्यादा देर नहीं बच सकता तू। ये वाटर पाइप मेरे काम आएगा। जैसे ही भस्माकंठ पीछे घूमा, इस पानी से ठंडी होगी तेरी आग, लेकिन इस पानी से मेरी आग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख। ओ, मेरा काम हो गया, अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये लंबी सीढ़ी यहाँ से निकलने में मेरी सहायता करेगी। वो बिजली की तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उफ, इसे रोकना होगा। जैसे ही तूफान सीढ़ी पर चढ़ा, उफ, उस तक पहुँचने का ये जरिया भी बेकार हो गया। उधर भस्माकंठ ऊपर पहुँच चुका था। छत पर आकर उस बैलून तक पहुँच गया तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। जब तूफान छत पर पहुंचा तो भस्माकंठ दूर जा चुका था। ओह, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। अगले ही क्षण, सर, वो देखिए, गोली चलाओ, तर 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 तर। और तूफान अपने सुपर बाइक पर बैठकर हवा में उड़ चला। आज देखता हूं भस्माकंठ तू कहाँ भाग कर जाता है। बुम, आज मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मिसाइल्स भस्माकण तक पहुंच पाती उससे पहले ही बड़ाम। तेरे हर वार का जवाब है मेरी आग। मिसाइल्स उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरी पीने उसके गुब्बारे तक जरूर पहुंच सकती है। भस्माकण ने खुद को तो बचा लिया, पर अपने गुब्बारे को ना बचा सका। ओह नो, धड़ाम। और भस्माकण के संभलने से पहले ही धड़ाक, खतरा, विस्फोटक सामग्री का भंडार स्थान, कृपया दूर रहें। फिर तूफान ने भस्माकंठ को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। धड़ाम, धड़, अचानक धड़। अब तूफान के ठीक सामने मौत खड़ी थी। यहाँ अपनी आग का इस्तेमाल मत करना भस्माकंठ, वरना अनर्थ हो जाएगा। इस इमारत में बारूद का भंडार रखा हुआ है। अपनी मौत को सामने देखकर झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं तेरी बातों में आकर तुझे छोड़ने वाला नहीं। ओह नो, ये तो पागल हो चुका है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और तूफान अपने सुपर बाइक पर सवार होकर, तूफान का सोचना सही था, नीचे चिंगारी बारूद तक पहुंच चुकी थी। और अगले ही पल बड़ाम,
शहर को जलाकर राख कर देने वाला आज अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। बड़ाम बड़ाम। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो तूफान की ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। मुझे इस कहानी का कोई मतलब शुरुआत कैसे हुई और एंड कैसे हुआ ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। हालांकि इस कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी बनाई जा सकती थी, लेकिन पता नहीं इस कहानी में मुझे कोई दम ही नज़र नहीं आना आया है। बाकी आपको ये कॉमिक्स और कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।